वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं हर्षवर्धन चौरसिया। और आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि छत्तीसगढ़ स्टेट्स के जो डिविजन्स हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उसको हम बहुत ही आसानी से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें टोटल डिविजन्स की, या हम इस वीडियो को डिवाइड करना चाहें 5 पार्ट्स में, तो सबसे बेटर होगा कि हम उनको डिविजन्स के नाम पर डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों जो पहला डिवीजन है स्टेट का वो है सरगुजा, जो कि सबसे नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद बात करते हैं तो बिलासपुर आता है, जो कि सरगुजा के ठीक नीचे की तरफ है। उसके बाद आता है रायपुर, जो बिलासपुर के ठीक नीचे की तरफ है और रायपुर के जस्ट वेस्ट में, यानी कि टूवर्ड्स महाराष्ट्र दुर्ग आता है। और जो सबसे साउथ का पार्ट है उसे हम बस्तर कहते हैं। दोस्तों अब हमें ये जानना जरूरी है कि किस डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा की। तो सरगुजा में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नाम उनके हम बाद में पढ़ेंगे। तभी आपको बस इतना याद रखना है कि सरगुजा डिवीजन में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर बिलासपुर की, तो उसमें अभी फिलहाल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हाल ही में 15 अगस्त को हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने अनाउंस किया और एक और नया जिला बनने वाला है, जिससे कि फ्यूचर में बिलासपुर डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रायपुर की, तो यहाँ भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर दुर्ग की बात की जाए तो वहां पे भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर बात करते हैं बस्तर की, तो वो एक ओनली स्टेट है छत्तीसगढ़ का जिसमें कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि 7 जिले हैं वहां पर। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट होने वाले डिवीजन की, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया वो है बस्तर। इसके बाद आता है बिलासपुर, जिसमें फ्यूचर में 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद थर्ड पोजिशन पे सरगुजा, रायपुर और दुर्ग है, जहां पे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तीनों डिवीजन में। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सरगुजा डिवीजन की, तो उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है कोलिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जशपुर और पांचवा है बलरामपुर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पांचों डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स की, तो कोलिया डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है बैकुंठपुर, सूरजपुर का हेडक्वार्टर का नाम सूरजपुर ही है, और अगर बात करते हैं सरगुजा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, तो वो है अंबिकापुर, जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक है और सरगुजा डिवीजन की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। इसके बाद अगर बात करते हैं जशपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो वो है जशपुर, और बलरामपुर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो उसका नाम है बलरामपुर। दोस्तों अगर इसमें हमने एक चीज नोटिस की कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनका जो हेडक्वार्टर था उसका नाम डिस्ट्रिक्ट से अलग था, बट ऐसा बहुत ही कम होता है। सरगुजा डिवीजन में ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक था सरगुजा जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अंबिकापुर, और दूसरा था कोरिया जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बैकुंठपुर। दोस्तों अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, हम अब बात करेंगे बिलासपुर डिवीजन की। तो बिलासपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल, जिसमें पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है कोरबा, चौथा है जांजगीर चांपा, पांचवा है मुंगेली। अब इसमें से जितने जिले हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो वही हैं, यानी कि बिलासपुर जिले का जिला मुख्यालय है बिलासपुर, कोरबा जिले का जिला मुख्यालय है कोरबा, रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है रायगढ़ और मुंगेली जिला का जिला मुख्यालय है मुंगेली। अब एक है नाम जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा का जिला मुख्यालय है जांजगीर, और जो मेन सिटी है वो जांजगीर भी है, चांपा भी है, दोनों बराबर के शहर है, तो कोई एक प्रमुख शहर हम कह नहीं सकते। जांजगीर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। फ्यूचर में एक और डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है बिलासपुर संभाग में, जो कि यहाँ का 6वां जिला होगा, वो है मरवाही, पिंडरा और गोरेला। अब इन तीनों में जिले का नाम पूरा है पिंडरा, गोरेला, मरवाही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा होगा उसके बारे में अभी विचार करना जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि मरवाही वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं रायपुर डिवीजन की, तो इसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो है रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गड़ियाबंद और महासमुंद। अब इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो, अब इसका जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो है रायपुर, और रायपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रायपुर पे ही है। बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बलौदाबाजार में है, लेकिन जो प्रमुख शहर है बलौदाबाजार जिले का वो है भाटापारा, जो कि रायपुर बिलासपुर मेन रेल लाइन पे पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं महासमुंद की, तो महासमुंद है का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महासमुंद है, गड़ियाबंद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गड़ियाबंद है, और धमतरी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धमतरी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग में भी कुल 5 जिले आते हैं, जो है दुर्ग, बेमेतरा, बालौल, राजनांदगांव, और जो 5वां जिला है वो है कवर्धा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे मुख्य शहर है वो है भिलाई, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और लेकिन जो दुर्ग का जिला मुख्यालय वो भिलाई नहीं है, वो है दुर्ग,
और इसके बाद जो सबसे बड़ा शहर भिलाई के बाद वो है दुर्ग। दुर्ग भिलाई को मिलाकर हम एक शहर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए राजनांदगांव की, तो ये भी काफी बड़ा शहर है और ये राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय है। इसके बाद कवर्धा या कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है कवर्धा। जिला का नाम कबीरधाम है, लेकिन उसका जो प्रमुख शहर है या जिला मुख्यालय है वो है कवर्धा और जिले का नाम है कबीरधाम। दोस्तों अगर इसके बाद हम बात करें बालोद और बेमित्रा की, तो इनके जो जिला मुख्यालय हैं वो है बालोद और बेमित्रा ही। दोस्तों इसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ा संभाग आता है बस्तर संभाग, जिसमें है 7 जिले और लगभग 40% जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो बस्तर में आता है। तो इसमें सबसे नॉर्थ की तरफ जो पार्ट है वो है कांकेर और वही उसका जिला मुख्यालय है। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो नारायणपुर और कोंडागांव, ये 2 प्रमुख जिले आते हैं, जिसमें नारायणपुर का जिला मुख्यालय नारायणपुर है और कोंडागांव का जिला मुख्यालय कोंडागांव है। इसके बाद आता है जगदलपुर, जो कि बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। बस्तर संभाग का भी जिला मुख्यालय है, बस्तर जिले का भी जिला मुख्यालय है और ये बस्तर का सबसे प्रमुख शहर है। बाकी के 6 शहरों को आप मिला देंगे तो भी वो जगदलपुर शहर जितना बड़ा नहीं होगा। ये इतना बड़ा शहर है और ये छत्तीसगढ़ का 5वां सबसे बड़ा शहर भी है। इसके बाद बात करते हैं दंतेवाड़ा की, तो वो है दंतेवाड़ा जिला का मुख्यालय। उसके बाद है बीजापुर और सुकमा, ये दोनों बीजापुर और सुकमा के जिला मुख्यालय हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के 27 जिला और उनके जिला मुख्यालयों को याद कर लिया है और 5 डिविजन्स का नाम भी हमने याद कर लिया है। फ्यूचर में अब कुछ पॉइंट हमको नोट डाउन करने हैं, वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिलासपुर जिले से कटकर एक नया जिला बनने वाला है, जो है जिसका नाम होने वाला है पेंड्रा गोरेला मरवाही। अब ये जिला बनेगा तो उससे क्या अंतर आएगा? बिलासपुर संभाग में 6 जिले हो जाएंगे जो कि 5 जिले थे। बिलासपुर संभाग दूसरा सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग बन जाएगा बस्तर के बाद। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बिलासपुर जो जिला है वो मध्य प्रदेश को टच नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए देखते रहिए हर्षवर्धन चौरसिया। धन्यवाद।